Say good morning, ma'am. Yes. First you wish me and wish all the family members. Ma'am ne bola tha na good habits. You remember na? Tell me what is the first good habit of the day? You should get up early in the morning. Gets up early in the morning. And second good habit is? Tell me. Yes, brush your teeth twice a day. After that, third good habit is, मैम ने third good habit क्या बोला था? Take a bath daily. Now today we learn fourth good habit. Which one? Respect your elders. What is this? Respect your elders. जो भी आपके बड़े होते हैं ना, आपकी उनको respect करनी चाहिए. Okay? सबके जो भी बड़े हमारे आते हैं, हमारे घर में भी कोई आता है तो हमें विश करना चाहिए, फीट को टच करना चाहिए. मैम ने बोला था ना आपको, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो मम्मा पापा को गुड मॉर्निंग विश करना है, ग्रैंड पेरेंट्स के फीट को टच करना है, पैर छूने हैं उनके, तभी तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी. यस, दीज आर ऑल द गुड हैबिट्स. आफ्टर दैट यू टेक योर ब्रेकफास्ट. उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है, प्रेयर करनी है गॉड से, है ना? Yes, जब आप ऐसे करोगे तभी तो आप गुड बॉय और गुड गर्ल बनोगे. मम्मा पापा करते हैं ना ऐसे, ऐसे आपको भी करना है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी इन मैथ सब्जेक्ट, बट टुडे वी स्टडी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. यू हैड ऑलरेडी लर्न दिस टॉपिक, सो मैम इज थिंकिंग लेट्स रिवाइज अगेन टॉपिक बिग एंड स्मॉल. ओके, क्योंकि आपको बिग और स्मॉल में डिफरेंस तो समझ में आना चाहिए ना, फिर आपको एग्जाम होएगा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि विच ऑब्जेक्ट इज बिग विच ऑब्जेक्ट इज स्मॉल. ओके, इन योर मैथ्स बुक देयर इज वन एक्सरसाइज फॉर यू कि सर्कल द बिग ऑब्जेक्ट और सर्कल द स्मॉल ऑब्जेक्ट, फिर आप कैसे करोगे उसको? तो मैम पहले यहाँ पे आकर आपको क्लियर करेंगी कि हाउ कैन वी सर्कल विच ऑब्जेक्ट इज बिग एंड विच वन इज स्मॉल. Okay, after that we do exercise. Okay, now look here. What is this? Tree. This is tree? Yes. And what is the shape of tree? Big ki small. Look here. Now I make here small tree. Okay, now you tell me. जो बड़ा वाला होता है ना उसको बोलते हैं बिग वन, एंड जो छोटा सा होता है, जो छोटा दिखता है उसको बोलते हैं स्मॉल वन. आप बोलते हैं ना मम्मा आई वांट बिग चॉकलेट, बिग आइसक्रीम, सब आपको बिग बिग चाहिए रहता है, आपको स्मॉल तो कुछ अच्छा नहीं लगता है ना? यस. सो मैंने भी बोला कि आज चलो हम लोग देखते हैं आपको बिग बनता है स्मॉल बनता है, आपको इसमें डिफरेंस पता है कि नहीं है. ओके, दिस इज बिग एंड दिस वन इज स्मॉल. जो बिग दिखता है उसको बोलते हैं बिग, जो बड़ा दिखता है उसको क्या बोलते हैं? बिग, और जो छोटा दिखता है उसको स्मॉल. ओके, नाउ लुक हियर, हियर इज बिग सर्कल, हियर इज स्मॉल सर्कल. तो दिस इज कॉल्ड बिग, दिस इज कॉल्ड स्मॉल. ओके, बिग स्मॉल, बिग स्मॉल. Okay, you identify now which one is big and which one is small, because it's so easy to see. जो हमें बड़ा दिखता है उसको हम big बोलते हैं, और जो छोटा सा दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? Small. Look here, this pen is big but its cap is small. जो ये हमारा pen है, marker है, वो कैसा है? Big है, but इसका जो cap है वो कैसा है? Small ना? Yes. तो this is the difference big and small. In your book there is one exercise circle the big things. Okay, आपको क्या करना है? Only big things में circle करना है. Look here, I have made here some objects. I have made here one ball. Okay, and here I make small ball. Okay, now I make here big triangle, and here make small triangle. Okay. टेल मी, अगर मैम आपको बोलेंगी सर्कल द स्मॉल बॉल या सर्कल द स्मॉल ऑब्जेक्ट,
तो आप क्या करोगे, सर्कल मतलब आपको सर्कल लगाना है, स्मॉल ऑब्जेक्ट में स्मॉल वाले ऑब्जेक्ट में. ओके, तो इन दिस बॉल और दिस बॉल में आपको डिफरेंस करना है, ये वाली बॉल में या ये वाली बॉल में स्मॉल बॉल कौन सी है, दिस वन ना. नाउ मेक अ सर्कल. ओके, नाउ ट्रायंगल, स्टैंड टू ट्रायंगल मैं बोलेंगी सर्कल द बिग ट्रायंगल. क्या बोल रही है मैं, सर्कल मीन्स सर्कल करना है, किसमें सर्कल करना है, बिग ट्रायंगल, जो बड़ा सा ट्रायंगल है. तो हमारा बिग ट्रायंगल कौन है, दिस इज बिग, ये बड़ा है, नो दिस इज स्मॉल ना, दिस वन इज बिग. नाउ आई सर्कल इट. ओके, सो नाउ चिल्ड्रेन लुक हियर, हियर आई हैव मेड सम ऑब्जेक्ट्स फॉर यू. इसमें आपको क्या करना है, सो इजी, सर्कल करना है, बट किसमें करना है, मैम रीड द क्वेश्चन देन यू विल डू इट. ओके, सर्कल द बिग ऑब्जेक्ट मीन्स आपको किसमें सर्कल करना है, बिग ऑब्जेक्ट, किसमें करना है, बिग ऑब्जेक्ट, बिग, स्मॉल, स्मॉल में नहीं करना है, किसमें करना है, बिग ऑब्जेक्ट. हेयर इज अ बिग क्लॉक एंड हेयर इज अ स्मॉल क्लॉक. यहाँ पे कौन सी क्लॉक बनी हुई है, दिस छोटी सी दिख रही है, नहीं ना, दिस वन इज बिग ना. इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं, जो हमारे उसके बगल में दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम फर्स्ट वी कंपेयर द ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, फिर इसमें से देखेंगे कि कौन सा वाला बड़ा है. ओके, बिकॉज हमको बिग ऑब्जेक्ट में सर्कल करना है ना, तो लुक हियर, दिस इज बिग क्लॉक एंड दिस वन इज स्मॉल क्लॉक. ओके, नाउ सर्कल द बिग क्लॉक. ओके, विच वन इज बिग, दिस वन इज बिग, नाउ आई सर्कल इट, सर्कल. ओके, नेक्स्ट लुक हियर, सर्कल द स्मॉल ऑब्जेक्ट. अब आपको किस में सर्कल करना है, स्मॉल वाले में. यहाँ पे मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, एप्पल. ओके, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, यस रेड कलर, यू लाइक, नो ना. ओके, लुक हियर, दिस इज एन एप्पल, दिस इज ऑल्सो हेयर वन एप्पल. ओके, अब आपको इन दोनों में कंपेयर करना है कि विच वन इज बिग विच वन इज स्मॉल. पहले आपको पता होना चाहिए ना कौन सा वाला बिग है कौन सा वाला स्मॉल है. इज दिस बिग, यस दिस इज बिग एंड दिस वन इज स्मॉल. तो हमें किसमें सर्कल करना है, मैम ने किसने बोला था आपको सर्कल करने के लिए, स्मॉल वन में. किसमें करना है हमें सर्कल, स्मॉल वन में. तो इज दिस स्मॉल एप्पल, नो ना, दिस इज अ स्मॉल एप्पल, नाउ सर्कल इट, दिस इज स्मॉल. ओके, होप यू आर अंडरस्टूड ना कि व्हाट इज बिग व्हाट इज स्मॉल. ओके, थैंक यू.